जब तक मेरे भाइयों के सर पे केश वापस नहीं आएंगे, इस बहन के चेहरे पर उसकी ये रौनक वापस नहीं आएगी। नमस्कार, न्यूज ब्रॉडकास्ट 24 देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ करण खुराना। रोहतक के गांव पेहरावर में भगवान परशुराम जन्मोत्सव नहीं मना पाने पर लोगों में खट्टर सरकार के खिलाफ गुस्सा लगातार बढ़ता जा रहा है। एक तरफ जहां रविवार को नवीन जैनिंग ने खट्टर सरकार के विरोध में मुंडन करवा लिया और कहा कि पिता की मौत से ज्यादा उन्हें इस बात का दुख है कि वो भगवान परशुराम का जन्मोत्सव नहीं मना पाए। इस बीच अब नवीन जैनिंग के समर्थन में प्रियंका सिंह नाम की एक लड़की ने अपनी आईब्रो ही उड़ा ली। जी हां, सही सुना आपने, प्रियंका सिंह नाम की लड़की ने कहा कि हम भगवान परशुराम का जन्मोत्सव खुशी के साथ मनाना चाहते थे लेकिन हमें मनाने नहीं दिया गया। प्रियंका सिंह ने कहा कि अगर नवीन जैन समेत 21 लोग इसका विरोध करते हुए अपना मुंडन करवा सकते हैं तो मैं भी इस चेहरे से अपनी रौनक गायब कर सकती हूँ। देखिए इसके अलावा प्रियंका सिंह ने क्या पूछा। बहन हमेशा भाइयों के सपोर्ट में खड़ी होगी और आज भी खड़ी है, हमेशा खड़ी रहेगी। जब तक मेरे भाइयों के सर पे केश वापस नहीं आएंगे, इस बहन के चेहरे पर उसकी ये रौनक वापस नहीं आएगी। वादा करती हूँ मैं खट्टर सरकार से तेरी नींव हिला देंगे हम मिलकर। ये अकेला नवीन जैन या केवल ब्राह्मण नहीं है, तेरा सामना 36 बिरादरी से हुआ है। 36 बिरादरी से तुझे कभी माफ नहीं करेगी ये 36 बिरादरी जिसको तूने जन्मोत्सव तक बनाने नहीं दिया, मंदिर में मूर्ति पूजन नहीं करने दिया, मंदिर में मूर्ति स्थापित नहीं करने दी। जब तक मेरे भाइयों के सर पे केश वापस नहीं आएंगे ना, इस बहन के चेहरे पर ये आईब्रो वापस नहीं आएगी। वादा है मेरा खट्टर सरकार तुझसे, तेरी नींद तक हिला दी ना, अगर ना हिलाई हमने तो हम भी 36 बिरादरी के लोग नहीं। एक महिला के लिए ना ये चीज, आपके घर में भी महिला होंगी, माताएं होंगी, बहनें होंगी, ये चीज सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस रखती थी, पर सिर्फ भाईचारे के लिए। रोऊंगी नहीं, क्योंकि हमेशा मेरा भाई ये कहता है कि अगर सही हो ना तो रो मत, तो इसलिए आज रोऊंगी नहीं। खट्टर सरकार तुझे रुलाऊंगी। भाईचारे की निशानी और भाईचारे की एकता की इस चीज को तूने भंग किया है। तू मिट्टी में मिल जाएगी खट्टर सरकार, एक दिन तू मिट्टी में मिल जाएगी, ये बात याद रखियो। मेरे भाइयों ने अपने केश दान किए ना, तो उस बहन ने ये किया। देख, जाटों की बहू हूं फिर भी मैं ब्राह्मणों को सपोर्ट करती हूँ, ब्राह्मणों के 36 बिरादरी के इस पर्व को सपोर्ट करती हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग भी हमें सपोर्ट करेंगे और अन्याय के खिलाफ आप लोग भी आवाज उठाएंगे। कुछ नहीं आऊंगी। ये आपने प्रियंका सिंह को सुना जिन्होंने नवीन जैन का समर्थन करते हुए और भगवान परशुराम का जन्मोत्सव न मनाने पर इतना बड़ा फैसला ले लिया जो शायद किसी भी लड़की के लिए बेहद ही मुश्किल होगा। लागे इतना ही, ऐसी तमाम अपडेट्स के लिए देखते रहे न्यूज ब्रॉडकास्ट 24। नमस्कार।